घूमते घूमते पहुंच चुके हैं हम ढनौला शेरा वाले एरिया में। और ये हमारे सर और सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और ये है भंडारी ग्वाल देवता का मंदिर। ये परिसर बहुत शानदार सा ये मंदिर बना हुआ है। ये रोड यहाँ तक आती है, देखिए रोड आती है और ये एंट्री गेट है, ऊपर है मंदिर भंडारी ग्वाल देवता का। और आगे जा रहे हैं, ये है प्रभु जी हमारे। प्रभु जी हमको अपने ससुराल घुमाने के लिए ले जा रहे हैं ढनौला सेरा के गांव में। तो ढनौला सेरा वाला एरिया भी दिखाते हैं आपको। तो चलो भंडारी ग्वाल जी के दर्शन आपको कराते हैं। पहले वो शानदार मंदिर वहां पे बना हुआ है। यह मंदिर का परिसर, ये ऊपर पूरा चीड़ का जंगल, पूरा जंगल है। देखिए जंगल के जस्ट नीचे ये भंडारी ग्वाल जी का मंदिर बसा हुआ है यहाँ पे। और इससे पहले का जो ब्लॉग है, वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर दिखा रखा है शानदार मंदिर की आरती है। तो इस साइड यहाँ पे कुछ एक बोर्ड लगा है और ये पिथौरागढ़ जिले में आ गया, विकास खंड गंगुली हाट जनपद पिथौरागढ़ वाला एरिया ये आ गया। और इसके जो गाड़ पार वाला एरिया है ये वाला, ये है बागेश्वर जिले में। ढनौला सेरा का गांव आई थिंक पिथौरागढ़ में आता है। तो ये है ढनौला सेरा जाने वाला रास्ता। वो नीचे खेत दिख रहे हैं ढनौला सेरा वालों के। ये है वो गाड़ जो धपोला सेरा से आती है नीचे को। ये नदी आगे ये सरयू में मिलती है उधर बन कोट्स के नीचे से बहते हुए सरयू में मिल जाती है नदी, सरयू नदी में जो बागेश्वर से आती है। फाइनली पहुंच चुके हैं प्रभु जी के ससुराल में। वो देखो यहाँ पे मकान है और अभी जाते हैं यहाँ पे। वो नीचे इनके खेत हैं, बहुत अच्छा हरियाली यहाँ पे, गेहूं और सरसों की खेती यहाँ पर कर रखी है। और ये है चारे के रूप में पेड़ यहाँ पे, सब पेड़ों का मुंडन किया हुआ है। कुछ पेड़ यहाँ पे वो दिख रहे हैं, पशु चारा खिलाने के लिए यूज किया जाता होगा मेरे ख्याल से। और ये है रास्ता इधर, ये देखिए जो गेट के ऊपर दिख रहा है ना, ये क्यों कौन नहीं आ गए हो, ये घास तो ये क्यों लगा रहे हैं। नामकरण यहाँ पे जब होता है ना, बच्चा जन्म लेता है तो तब ये गेट पे लगाया जाता है। यहाँ पर भी लगाया है, वो दूर जंगलों में मिलता है। चलो अब नीचे कमरे में चलते हैं। तो फिर से पार्टी शुरू हो चुकी है हमारी यहाँ पे ढनौला सेरा में। और आज तो पार्टी अरे सुबह से चौथी पार्टी है, अभी देखते हैं शाम तक क्या कुछ होता है। ब्लैक टी और उसमें पुदीने का पत्ता यहाँ पे। तो भाई साहब बहुत टाइम हमने यहाँ पे बिता दिया है ढनौला सेरा के गांव में। और सब लोग अब घर वापसी हम लोग कर रहे हैं। फिर से हम वही भंडारी देवता मंदिर है, जो ग्वाल भंडारी ग्वाल मंदिर है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अगले ब्लॉग में आपको मिलते हैं किसी और नए शानदार गांव के साथ, पहाड़ी गांव के साथ। और बने रहिए नागदेव वीडियो में। और कैसा लगा आपको हमारा ये पहाड़ी गांव की यात्रा, जरूर बताइए कमेंट करके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी एक नए गांव में, ऐसे शानदार पहाड़ी गांव का नज़ारा और यहां का कल्चर हम आपको दिखाते रहेंगे नागदेव वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। प्रभु आओ जल्दी, क्या शानदार हरे भरे खेत का नजारा। वो ऊपर घोताड़ी बोलते हैं बनकोट से, वहां पर रोड भी आ रही है और ये रोड आगे बाजड़ जाएगी ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन कब आती है पता नहीं। ये रोड यहां पर आ रही है गधेरे में, अभी रोड नहीं बनी है। तो हमारे सब साथी यहां पर आ चुके हैं और चलते हैं घर की ओर प्रस्थान।
करते हैं धीरे धीरे। प्रभु जी का ससुराल वाला गांव है। देखिए मुस्कान तो देखिए अब जहरीली वाली।